गुप्त के द्वारा निर्देशित सर है। मैथिली शरण गुप्त के भाई का क्या नाम था? मैथिली शरण गुप्त जो है इनके भाई का क्या नाम था? क्या बोलिए? मैथिली शरण सियाराम शरण गुप्त। अब बताइए मनुष्यता शीर्षक मैंने क्या सब बताया था? मनुष्यता शीर्षक में मैंने क्या सब वर्णन किया? मनुष्यता चैप्टर में मुख्य रूप से क्या बताया गया है बोलेंगे? प्रतिभा बताइए, मनुष्यता चैप्टर में मैंने क्या सब बताया? प्रतिभा, मनुष्यता चैप्टर से आपको क्या सीख मिलती है? इस चैप्टर में क्या बताया गया? अमीषा बताएगी, मनुष्यता शिक्षक में क्या बताया गया? गुड। क्या बताया गया इस शीर्षक में? मुख्य रूप से यह बताया गया है जो हमारा शरीर जो है मर्त है, नश्वर है, मरणशील है, मरनाता है, इसीलिए इस धरा पर अच्छे कार्यों से, अच्छे कामों से, ठीक है ना, इस धरती को छोड़कर जाना चाहिए, ठीक है ना, ताकि संपूर्ण जगत जो है, सारा जगत आपको मरणोपरांत की आपको क्या करे, याद करे, है ना। प्रतीक जी आप बताएंगे। बोलिए इस शीर्षक से आपको क्या सीख मिली? इस शीर्षक का उद्देश्य क्या है? इस शीर्षक का मुख्य उद्देश्य यह है जो मुझे खुद के लिए नहीं, ठीक है ना, औरों के लिए जीना चाहिए, अर्थात परोपकारी होना चाहिए, है ना। मुझे खुद के लिए नहीं दूसरों के लिए जीना चाहिए, अर्थात परोपकारी होना चाहिए। परोपकार का मतलब क्या होता है? पर जोर उपकार। परोपकार का क्या मतलब होता है? परोपकार। परोपकार एक शब्द है। इस परोपकार का जब अलग अलग हम करते हैं तो पर जोर उपकार होता है, ठीक है, पर जोर उपकार। पर का मतलब क्या होता है? पर का मतलब क्या होगा? पर का मतलब होता है दूसरा, यानी दूसरे के ऊपर जो हम उपकार करते वही परोपकार होता है। अगर आप परोपकारिता नहीं है आप में तो आप मर्त हैं, मरणशील है, पशु प्रकृति के समान। बात समझ में आ गई? आप में है या नहीं आप खुद से पता करें। चलिए सचिन वत्स बताएंगे, बोला जाए। सभी बच्चे जो हैं, ठीक है ना, वो एक्सप्लेन जो करेंगे अलग अलग अंदाज में करेंगे, एक ही चीज को नहीं बोलेंगे। जैसे अमीषा बताई, नश्वर है मेरा शरीर, मर्त है, मरणशील है, मरना तय है, ठीक है, ये बताए जो दूसरों का मदद करना चाहिए। इस शिक्षक के माध्यम से मुझे यही बताया गया है, अगर हम मदद नहीं करते तो मेरा जीना मरना दोनों व्यर्थ है, ठीक है, जिए तब भी व्यर्थ, मर रहे मरे वो भी व्यर्थ। तो उसी अंदाज में आप अलग भी बताइए कुछ, मनुष्यता चैप्टर में क्या बताया गया, इससे आपको क्या सीखेंगे? सचिन जी बोले, सचिन जी बता रहे हैं जो अगर मैं दूसरों की भलाई नहीं करता, दूसरों की मदद नहीं करता, तो इस धरती पर मेरा जीना और मरना दोनों व्यर्थ है, बेकार, ठीक ना। बेजा एक शब्द आया होगा आपके, ठीक ना, शीर्षक में बेजा शब्द आया, बेजा ही आया है ना, बेजा,
बेजा का मतलब होता है व्यर्थ, क्या होता है व्यर्थ या बेकार, ठीक है, बेजा या वृथा, वृथा भी आया ना, वृथा एक शब्द है, वृथा मरे वृथा जिए, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, आया है एक लाइन आया है आपको मनुष्यता शीर्षक के माध्यम से, एक पंक्ति ऐसी भी है जिसमें लिखा हुआ है वृथा मरे वृथा जिए, ठीक है, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, अर्थात अगर हम इस धरती पर हैं और दूसरों की मदद नहीं करते, एक दूसरे को मदद अगर नहीं करते हैं तो मेरा जीना मरना दोनों व्यर्थ बेकार, ठीक ना, वृथा का मतलब व्यर्थ या बेकार, इसको बेजा भी बोलते हैं। चलिए अब बताएंगे ऋतु, बताएंगे इस शीर्षक के माध्यम से, आप बताइए क्या सीख ली, इसका उद्देश्य क्या है, ऋतु बोला जाए, इस शीर्षक का उद्देश्य क्या है, इस शीर्षक से आपको क्या सीख ली, इससे आपको ये सीख मिली जो मुझे एक दूसरे के लिए जीना चाहिए, एक दूसरे की सहायता करना चाहिए। चलिए ब्यूटी कुमारी बोलेंगे, ब्यूटी मनुष्यता शीर्षक के बारे में बताइए, आपको इस शीर्षक से क्या सीख मिली, इस शीर्षक का उद्देश्य क्या है, क्या कह रही, ये बता रही है जो जो दूसरे के लिए उपकार करे, दूसरों की मदद करे, ठीक है ना, उसी की महानता होती है, वही महान हो सकता है, ठीक है, और उसका ही वर्णन इतिहास के पन्नों पर लिखा जाता है, चित्रित किया जाता है, अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो जीना मरना सब व्यर्थ। चलिए अब इस शीर्षक के माध्यम से कोई भी स्टूडेंट मुझे ये बताएंगे इस शीर्षक का सारांश क्या है, अगर आपके प्रश्न पत्र में यह प्रश्न रहे जो इस शीर्षक का सारांश लिखिए, सारांश का मतलब क्या होता है, प्रतीक जी बताएंगे, सारांश मतलब जी, गुड, सारांश समरी जिसको आप लोग इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है ना, और हिंदी में सारांश होता है, अर्थात इस चैप्टर का एक निचोड़ बताइए, भावार्थ, चैप्टर में आपको क्या सब बताया गया उस चीज को बताना है, तो इसमें से कौन ऐसे स्टूडेंट हैं बच्चे जो बता सकते हैं वो बताएं, रोशन जी बोलेंगे क्या, रोशन जी बोलेंगे, रोशन कुमार बोलिए, नहीं पता है, चलिए अब स्वीटी बताएंगे, स्वीटी स्वीटी ब्यूटी में तो मैं खुद कंफ्यूज हूं, स्वीटी बोले बोलिए, हाँ ऑन रखो वीडियो, वीडियो ऑन रखना, बोलिए बोलिए जी जी, रंती देव नॉट रती देव,
गुड। चलिए बहुत बढ़िया। क्या बताइए, इस चैप्टर में मुख्य रूप से यह बताया गया, इस चैप्टर का समरी यह बताती है, यह स्वीटी के द्वारा बताया गया, जो इंसान को एक दूसरे के लिए जीना चाहिए, परोपकारिता जैसी गुण होनी चाहिए। अगर एक दूसरे के लिए हम जीते हैं तो हम मनुष्य के कैटेगरी में आते हैं, श्रेणी में आते हैं। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो पशु प्रवृत्ति हैं। एक दूसरे के लिए जीना और मरना यही मनुष्य का, ठीक है ना, सबसे पहली पहचान होती है। मनुष्य सबसे ही क्लियर होता है। मनुष्य के बारे में मैंने बताया था, मनुष्य अर्थात मनुष्य का क्या मैंने भावार्थ बताया था, कोई बताएंगे? मनुष्य का भावार्थ मैंने क्या बताया? मनुष्य का भावार्थ बोले, मनुष्य का भावार्थ मैंने बताया था, एक शब्द में एक लाइन में बताया था, जिसमें मनन करने की क्षमता हो। क्या बताया था मैंने? जिसमें क्या करने की, मनन करने, जिसमें मनन मनन करने की क्या हो, क्षमता क्षमता हो, वही मनुष्य। मनुष्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जिसमें मनन करने की क्षमता हो। और ये हम लोगों का सौभाग्य है जो ऊपर वाले हम लोग को भेजे, तो इस संसार में, इस जगत में जितने प्राणी हैं, उन प्राणियों में एक मानव ही ऐसा प्राणी है जिसमें चिंतन और मनन करने की क्षमता होती है ना। तो हम लोग उनका आभार प्रकट करना चाहिए ना। तो यहाँ पर क्या बताई, जिसमें चिंतन मनन करने की क्षमता हो, एक दूसरे के लिए जिए। और इस चैप्टर के माध्यम से मैत्री शरण गुप्त जी बहुत सारे ऋषि मुनियों के द्वारा, महापुरुषों के द्वारा उदाहरण स्वरूप भी मुझे बताते हैं। उसमें एक रंती देव आते हैं, उसके बाद क्षितिश उसी नर आते हैं। अब रंती देव के बारे में उन्होंने बताया, जो भूख से व्याकुल, ठीक ना, दूसरे कोई इंसान, दूसरा कोई व्यक्ति जो भूख से परेशान था, तो उन्होंने रंती देव ने क्या किया, करस्त थाल में उनको दान दे दिया। करस्त थाल का मतलब क्या होता है? कर एक शब्द है, कर एक शब्द है, इस कर शब्द का मतलब होता है हाथ। आप लोग हाथ नहीं बोलते, आप लोग बोलते हैं हाथ, हाथ नहीं होता हाथ, ठीक है। तो करस्त, करस्त का मतलब अपने हाथों का थाल ही वह दान दे देते हैं। वो ऐसे ऋषि मुनि थे, महापुरुष थे, जिन्होंने भूख से व्याकुल, ठीक है ना, दूसरे लोगों को, प्रार्थ लोगों को, प्रार्थ का मतलब होता है दूसरा, ठीक है ना, ऐसे लोगों को अपने हाथों का थाल भी दे दिए, यानी भोजन का थाल दे दिए। उसी नर के बारे में बताया, वह स्वमांस भी दान कर देते हैं, ठीक है ना। स्वमांस का मतलब होता है खुद का चमड़ा, ठीक ना, उन्होंने यह दान कर दिया था। तो इस चैप्टर के माध्यम से मुख्य रूप से यह समझ में आया, जो दूसरों के लिए जीना और मरना, ठीक है, यही मनुष्यता है। मानव का पहला गुण होता है जो हर एक मानव में होना चाहिए। मानव में मानवता नहीं तो आप मानव नहीं है, मनुष्य में मनुष्यता नहीं तो आप मनुष्य नहीं है, यानी मानवता में मानव का गुण होना चाहिए, ठीक है, मानव में मानवता जैसी गुण होनी चाहिए। तो उसके बाद ऐसे लोग जो दूसरे के लिए जीते हैं, मरते हैं, मरणोपरांत, अब ये भी बताइए सूची, मरणोपरांत क्या होता है? उनका ही गुणगान होता है। इतिहास के पन्नों पर वैसे ही लोगों का जिक्र किया जाता है, वर्णन किया जाता है। तो ऐसे लोगों का ही, ठीक ना, वर्णन हमेशा रहता है, मरने के बाद भी और जब तक वो होते हैं तब भी ऐसे ही लोगों का क्या होता है, जिक्र किया जाता है। बात समझ में आ गई? तो इस प्रकार से मनुष्यता चैप्टर में अब आपको कोई भी प्रॉब्लम परेशानी नहीं होगी। अगर किसी को कोई भी पैराग्राफ में कोई दिक्कत है तो बोलेंगे, किसी भी पैराग्राफ में किन्हीं को हाँ जी बोला जाए, बोलिए, हाँ बोला जाए, सुनेंगे सभी। मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है जी। और आगे जी, बाह्य भेद है जी,
कोई बच्चे इसका मीनिंग बताना चाहेंगे क्या? मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। उसके बाद कहा पुराण पुरुष स्वयं पिता प्रसिद्ध एक है, फलानुसार कर्म के अवश्य बाकी वेद है, परंतु अंतरैक में प्रमाणभूत वेद है। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे, वही मनुष्य है कि मनुष्य के लिए मरे। इसका मीनिंग कोई बताएंगे भावा? क्वेश्चन कौन पूछे थे ये? वीडियो ऑन करेंगे, वीडियो ऑफ आप लोग कर लिए। क्वेश्चन कौन पूछे थे ये? सचिन जी, चलिए इसमें इस पंक्ति का भावार्थ को स्पष्ट करेंगे। अमीषा बोला जाए, गुड, क्या बताई? यहां पर बताया गया जो मनुष्य मात्र बंधु है यही बड़ा विवेक है। मैथिली सरणी बताए मनुष्य जो है एक दूसरे का बंधु है, दोस्त है, इसी बात को हमेशा ख्याल करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए, यही सबसे हो गया। हाँ, तो क्या कहा? मनुष्य मात्र बंधु है, मनुष्य जो है एक दूसरे का बंधु है, दोस्त है, सखा है, मित्र है, यही सबसे बड़ी विवेक की बात है, बुद्धिमानी की बात है। अर्थात एक दूसरे को हमेशा बंधु दोस्त समझना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कहा पुराण पुरुष स्वयं भू पिता पर सिद्ध एक है, क्योंकि सबके पिता परमेश्वर सिर्फ एक ही है, इसीलिए मुझे आपसी जो मनमिटाव होता है इस चीज से दूरी बनाकर ना भाईचारा का रूप अपनाना चाहिए, यही सबसे बड़ी विवेक की बात है, बुद्धिमानी की बात है। नेक्स्ट का फलानुसार कर्म के अवश्य बाई भेद है, परंतु अंतरिक्ष में प्रमाण रूप भेद है। बात समझ आ गई? वही कहा गया फलानुसार कर्म के अवश्य बाई भेद है, परंतु अंतरिक्ष में प्रमाण रूप भेद है। अनर्थ है कि बंधु ही बंधु की व्यथा न हरे, ये तो बहुत घोर अनर्थ है। अनर्थ की बात क्या है? जो एक बंधु ही बंधु की व्यथा न हरे। बंधु का मतलब होता है दोस्त, सखा, मित्र। एक मित्र ही अपने दोस्त की, मित्र की व्यथा पीड़ा को अगर नहीं हर सकता है, नहीं दूर कर सकता है, ठीक है, तो वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। अनर्थ की बात यह है जो एक बंधु